ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وقال صلى الله عليه وسلم العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه وقال صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه

और अल्हम्दुलिल्लाह हम हज के महीनों में दाखिल हो चुके हैं और सरज़मी हर मैन में दुनिया भर के इलाक़ों से हज के लिए हजाज आना शुरू हो गए हैं इसलिए मुनासिब समझा कि हज के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने ज़िक्र करूं मोहतरम हाजरीन अभी मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की है जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है आले मन आजुलबती इलैहि सबीला क्या के खातिर लोगों पर और ख़ास तौर पर उन लोगों पर जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखते हों हज फ़र्ज़ है और हज अरकान इस्लाम में से एक रुकन है दूसरे अरकान के मुकाबले में हज की इम्तियाजी खसूसियत ये भी है कि इसमें बदनी इबादत के साथ माली इबादत भी इसमें दाखिल है कि एक बंदे मोमिन अपने इलाक़े से हज के लिए निकलता है और उसके लिए अखराजात बर्दाश्त करता है तकलीफ़ और मशक्क़तें बर्दाश्त करता है तो ये हज की अपनी ख़ास खसूसियत है हज किन लोगों पर फ़र्ज़ है अल्लाह ताला ने फरमाया मन इस्तवा सबीला जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखते हों तो इस से मुराद क्या है सबसे पहले इस से मुराद सेहत व तंदुरुस्ती है कि इंसान सेहत व तंदुरुस्ती के साथ हो चल फिर सकता हो इबादतें बा, 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 आसानी अंजाम दे सकता हो तो उस पर हज फ़र्ज है एक औरत नबी वसल्लम के पास आई और कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम मेरे वालिद बूढ़े हो चुके हैं और बीमार भी हैं चल तो क्या गाड़ी पर सवार भी नहीं हो सकते आफ आह जान क्या मैं उनकी तरफ से हज करूं? तो आपने फ़रमाया कि जी हाँ उनकी तरफ से हज करो तो लिहाजा सेहत व तंदुरुस्ती ये सबसे पहली शर्त है और दूसरी शर्त इंसान के पास इतने पैसे हो कि वह हज पर जा सकता हो और वापस आ सकता हो जाहिर बात है कि हर कंट्री के हिसाब से अखराज अलग होते हैं अब जो लोग यहाँ से सफ़र करके जाते हैं एक लंबा चौड़ा ख़र्च उन पर आता है तो वो ख़र्च बर्दाश्त करते हों और जिन लोगों को वो छोड़ जाए उन लोगों का खाना पीना रहन सहन का भी इंतज़ाम हो सके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़ा बिलमर इसमन अयूदय यकूत के आदमी के गुनहगार होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि उन लोगों के जिनकी खुराक का ज़िम्मा वो है उनको यूँ ही छोड़ देूदई आमई अकूत के अपने बी बच्चों को भूखा छोड़ दे ऐसा ना करें बल्कि उनके लिए खाने का रहने का इंतज़ाम करके जाने की इस्तात हो पैसों का इंतज़ाम हो सके तो उन पर हज फ़र्ज है तो अब ये जो मैंने कैटेगरी जिक्र की है तो इनमें उन लोगों को जांच लेना चाहिए अपने एतबार से कि हम इस कैटेगरी में आ सकते हैं या नहीं आ सकते इसी तरह तीसरी शर्त ये है कि रास्ता पुरान हो यानी जाने और आना आपके लिए आसानी से अवेलेबल हो क्योंकि अभी दो तीन साल पहले ऐसा था कि हज के लिए तशरी और वीज़ा ही नहीं मिलता था क्योंकि कोविड की वजह से बंद हो गया था तो ऐसी सूरत में हज ही फ़र्ज ही नहीं है तो जाने और आने का रास्ता आपके लिए मुतन हो आसान हो अवेलेबल हो उसके लिए सहूलतें तो ऐसी सूरत में हज फ़र्ज है और चौथी शर्त है एक औरतों के लिए वो शर्त यह है कि उसके साथ महरम भी हो और उसके लिए हदीस वाज तौर पर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ला इखल इल्ला माजी महरमिन के कोई औरत तन्हाई में ना रहे हाँ अगर महरम हो तो कोई हरज की बात नहीं है इसी तरह फरमाया वात साफिर और सफ़र ना करे महरम के साथ महरम के बग़ैर वो सफ़र ना करे महरम हो सभी वो सफ़र इख्तियार करे एक सहाबी उठे और कहा कि अल्लाह के नबी वसल्लम मेरा नाम फलां जंग में लिखा जा चुका है और मेरी बीवी हज पर जा चुकी है तो आपने फरमाया कि आपने ना अपना नाम वहाँ कटवा दो और अपनी बीवी के साथ हज के लिए निकल जाओ तो ये वाजह तौर पर हदीस है जिससे पता चलता है क्या औरत को बग़ैर महरिम के हज करने की इजाज़त नहीं है और उस पर हज फर्ज ही नहीं है गरचे लोग कहते हों कि हुकूमत ने या गौरमेंट ने इसकी इजाज़त दे दी है या हमको इसकी इजाज़त और सहूलत मिल रही है ये अपनी तरफ़ है लेकिन चरीयत की नज़र से अगर देखा जाए तो ऐसी औरतें हज पर ना जाएं जिनके साथ कोई महरम ना हो मोहतरमाजरीन हज ज़िंदगी में एक ही मर्तबा फ़र्ज़ है अल्लाह के नबी सल वसलम ने फरमाया खुतबा दिया इलाफरिकुम्लफ़ाजू अबूरजन फ़रमाते हैं कि अल्लाह के नबी वम ने ख़ुबा देते हुए फ़रमाया कि अल्लाह तुम पर हज फ़र्ज़ किया है हज किया करो एक सहाबी उठे और कहा कि अकुल्ला आमिन या रसूल ए अल्लाह के नबी वम क्या हर साल हम ही हज करना है ये सवाल तो हर एक के जहन में पैदा होगा ही तो उस साहबी ने पूछा <coughs> तो आप सामोश रह गए फिर उसने फिर पूछा फिर आप खामोश रह गए तीसरी मरतबा भी उसने पूछा फीकुल आमिनिया रसोल्ला कि अल्लाह के रसूल सल्लम क्या हमें हर साल हज करना है अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया लौकुल तुन अमला वजबत वलमस्तवा तुम लोग अगर मैं हाँ कह दूँ तो हर साल तुम्हें हज करना वाजिब हो जाएगा देखिए शरीयत कितना कितना आसान है अमल के अतबार से बिल्कुल आसान है आपने फरमाया लवकुल ताम लवाजब अगर मैं हाँ कह दूँ तो हर साल तुम्हें हज के लिए जाना होगा वैसे हज पे जाने वाले लोगों को एहसास होगा कि अगर हज हर साल फर्ज हो जाए तो लोगों के लिए बिल्कुल मुश्किल चीज़ हो जाएगी और आपने ये भी फरमाया वम अस्तवा तुम और तुम्हारी ताकत और इस्तारत भी नहीं होगा कि तुम हर साल हज कर सको तो लिहाजा हर साल हज फर्ज नहीं है आपने मजीद फरमाया ज़रून माँ तरक्त कम लोगों में जितना बताता हूँ उसी पर तुम मुझे छोड़ दो उसी पर अमल करते रह जाओ काफ़ी है फैदा अमर तो कुम बशन तुम इन मस्तवा तुम जब मैं तुमको किसी चीज़ का हुक्म दो तो जितना मैं हुक्म देता हूँ उस पर अमल कर लो फहीदा नाई तुम मनश इन फश्त नबू जब तुमको मैं किसी चीज़ से रोकूँ तो रुक जाओ फ़ैन माह का मनकान कबल कुम कसरत सालिम मुख्तलाफ़ माला अम्बियाम तुमसे पहले तो लोग इसी वजह से हलाक हुए कि बार बार वो अपने अम्बिया से अख्तिलाफ़ात करते थे पूछते थे बेकार सवालत करते थे तो मालूम ये हुआ कि एक मुसलमान पर ज़िंदगी में एक ही मरतबा हज फ़र्ज है वैसे आप एक हदीस सुने होंगे जो इबन हब्बान वगैरह में मरवी है बक इमाम शेख शेख अलबानी रही ने उसको सही करार दिया है वो ये है कि इन्नाबदन सुहा जिसम हूँ ववस्ा तो ही फ़िल्म यमज़ आल खमसत अवा फ़िद ल महरूम के एक वो बंदा जिसको मैं सेहत अता किया हूँ तंदुरुस्ती तंदरुस्ती किया हूँ और मीशत के अतबार से और रहन सहन के अतबार से बड़ी खुशहाली है उसको यमज़ आल खमसत अम आवा पाँच साल उस पर गुज़र जाते हो वो मेरे पास ना आता हो तो बड़ा महरूम बंदा है तो इमाम ख़ताबी मालिकी इबन फ़रहून र्ला से नकल करते हैं कि ये मस्तब है कि पाँच साल अगर किसी पर गुज़र जाए हज करने पर और सेहत व तंदरुस्ती उसको हासिल हो खुशहाली हो जाने आने की सहूलत उसके पास मौजूद हो तो उसके लिए मस्तब है कि वो पाँच साल में एक मरतबा हज करे वरना फ़र्ज़ और फर्जीत तो ज़िंदगी में एक ही मरतबा फ़र्ज है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि महरूम कि वो शख्स जिसको अल्लाह ने दुनिया भर की सहूलतें अता किया हो और सेहत व तंदरुस्ती अता किया हो वो पाँच साल में कम अज़ कम काबतुल्ल की ज्यारत कर ले ये उसके लिए बेहतर है इसी तरह नबी करीम फरमाया मन हरा मन हज हजलिय जल जिनको हज करने का इरादा हो उसको जल्दी करना चाहिए पैन हो क़दियम रदमरीज हो सकता है इंसान आज सेहतमंद है कल बीमार हो जाएगा वतदल आज जो सहूलत उसको मौजूद है कल वो सहूलत उसके पास नहीं रहेगी वतादुल्हाजा कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो क्या हज फौरी वाजिब है या इंसान अपने तौर पर डिले कर सकता है ने लिखा है कि हज फौरी वाजिब है कि जैसे उस पर हज फ़र्ज हो जाए उसको फौरी तौर पर हज कर लेना चाहिए आम तौर पर लोगों के कुछ बहाने होते हैं कि चलो हमारे घर में बचियाँ बच्चियाँ हैं शादियाँ हो जाए उनकी बच्चे हैं हम उनको एक तरफ से सेटल कर दें या हमारा घर तामीर होना है या हमको कुछ बड़ा घर बना लेना है या बहुत बड़ा बिज़नेस है उसको सेटल करना है तो ये सब चीज़ें हज के डिले करने में मुआखर करने में सबब बन जाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसी तरह एक सबब ये भी है बाद लोग कहते हैं कि अभी तो उम्र हल्की छोटी सी है जवानी में हज क्या करें जब बुढ़ापा हो जाए चलो तब हज करेंगे ये भी नहीं है हज इंसान को थका देता है और हज हकीकत में जवानी में करने का काम है और हमने वहाँ देखा मलेशिया से इंडोनेशिया से कई ममालिक से लोग आते हैं तो लोग जवान जवान रहते थे हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश से आते थे लोग बूढ़े बूढ़े नजर आते थे तो क्योंकि एक नजरिया लोगों में बना हुआ है कि चलो हम जवानी में तो हज करने की ज़रूरत नहीं है जब हम अपनी सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म कर लेंगे सारे काम ख़त्म कर लेंगे हज कर लेंगे और अपने काम पे अपने रह जाएंगे, तो लोगों का ये नज़रिया होता है ऐसा नहीं है जैसे ही फ़र्ज हो जाए उनको निकल जाना चाहिए और जवानी में ये सब काम करने के होते हैं इसी तरह कभी ऐसा होता है कि हज कमेटी में उसने नाम लिखवाया कुरान में नाम नहीं आया तो वो कहते हैं कि चलो आइंदा साल चलेंगे आइंदा साल भी नहीं आया तो फिर उसके बाद इसके बाद चलेंगे जगह जब अगर अल्लाह ने आपको सहूलत दी है प्राइवेट टूर्स जो जितने हैं उनके ज़रिए अगर आप हज के लिए जा सकते हैं तो आपके लिए उसका इंतज़ाम करना होगा अब लोग वाजह तौर पर जानते हैं फ़र्क कितना है हज कमेटी में जाएंगे तो थोड़ा ख़र्च कम होगा और प्राइवेट टूर से जाएंगे तो थोड़ा ख़र्च ज़्यादा होगा लोग कहते हैं कि नहीं हमको उतना लंबा खर्च देने की ज़रूरत नहीं है चलो हज कमेटी ही में चलें अगर आपका नाम नहीं आया तो आप हज प्राइवेट के जरिए जाइए क्योंकि आप पर हज फ़र्ज हो चुका है और थोड़ा सा लंबा ख़र्च हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा तो लिहाजा इन पैसों की वजह से जबकि सहूलत मौजूद है पैसे आप खर्च कर सकते हैं और वहाँ आप पे कर सकते हैं मुकम्मल इसके लिए इस, इस वजह से कि पैसे ज़्यादा हो रहे हैं हज कुल डिले डिले नहीं किया जा सकता हज हाँ, फौरी आपको अप्लाई करना होगा और आप हज के लिए निकलना होगा इसी तरह बाज़ लोग ये कहते हैं कि हज तो एक लंबा चालीस दिन पैंतीस दिन हज के लिए जाएंगे तो हमारा बिजनेस क्या होगा हमारी ड्यूटी क्या होगी हमारा जॉब निकल जाएगा इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं है पहली बात तो ये जान लेना चाहिए कि हज सिर्फ पाँच दिनों का नाम है पाँच दिनों में हज हो जाता है आठ ज़िल को हज शुरू होता है नौ तारीख दस तारीख ग्यारह और बारह और ज़्यादा से ज़्यादा तेरह वन वीक एक वीक में आप पूरा हज कर सकते हैं ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको 40 दिन का 35 दिन का सफ़र हमारा हज हाँ से नहीं हो पाता या हमारे लिए कोई सेटलमेंट नहीं हो पाता या बिज़नेस के लिए कोई संभालने वाले नहीं हैं इस वजह से हम जो है ताख़ीर करते जाएँ मे जाए ऐसा नहीं होना चाहिए अशरा दस दिन हो या एक हफ्ते का सफ़र हो आप प्राइवेट वालों से बात करें आप अपने टिकट बनवा के आ जा सकते हैं और दूसरी बात ये भी मालूम होना ज़रूरी है कि हज के बाद मदीना जाना भी कोई हज की हज की इबादतों में दाखिल नहीं है बार लोग तो ये समझते हैं और जैसे मौजू रिवायत भी जिक्र करते हैं कि जिसने हज किया और मेरी ज्यारत नहीं की उसने मुझ पर म किया ये सब वाहियात हैं सही रिवायतें इस सिलसिले में है ही नहीं तो लिहाजा मदीने का सफ़र ना हज के अरकान में से है ना हज के वाजिबात में से है न हज के सुनन में से है तो लिहाज़ा आप जैसे ही मक्का जाए मक्के से वापस दे रही आप अपने बंगलोर आ सकते हैं कोई हरज की बात नहीं है सिर्फ इस वजह से डिले करना कि एक लंबा अरसा इसमें चला जाता है कई फोटी डेज़ हो थर्टी फाइव डेज़ हो इतने लंबे दिन हम कहाँ रह पाएंगे इसके लिए हज डिले करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है जितना हो सके जल पहली फुर्सत में इस जाने की कोशिश करनी चाहिए इसी तरह मेरे भाइयों हज और उम्र उम्र तो आज लोग मुसलसल और पैदल पर करते जा रहे हैं वैसे हमने जो हदीस बयान की है ताब ओबल वम्रा कि अल्लाह के नबी व फ़रमाया कि हज और उम्र मुसल क्या करते रहो फ्न हुमानफिया दुनू बबलफ़्र क्योंकि उसकी वजह से जहाँ गुनाह दुल धुलते हैं ख़त्म होते हैं वालफ्र गरीबी भी दूर होती है यानी ने हज और उम्रे को मुसलसल करने को असबाब रिस्क में शुमार किया है यानी इसका यह मतलब ये यही है कि कोई इंसान हज पर जाए उम्र पर जाए और आकर गरीब और तंग कंगाल हो जाए ऐसा नहीं हो सकता अल्लाह ताला उसको मज़ीद नवाजता है इसीलिए ने उसको असबाब रिस्क में शामिल किया है लोग इसी वजह से बाद लोग पीछे रह जाते हैं कि इतना लंबा ख़र्च हम क्यों देंगे चार से आठ लाख होते हैं इतने पैसे हमारे लेस हो जाएंगे ऐसा नहीं है अल्लाह ताली आपको मज़ीद अता करेगा रिस्क अल्लाह तू क्योंकि अल्लाह के सलम ने कहा कि अल्लाह तै का वादा है ये जहाँ गुनाह धुलते हैं वही इंसान की गरीबी भी दूर होती है इंसान मालदार हो जाता है और पहले से ज़्यादा उसकी हसी हालतें हो जाती हैं तो लिहाजा जितना हो सके हज भी करें उम्र भी करें लेकिन जो अपने हकूक़ हैं वो भी अदा करते रहें अपने रिश्तेदारों के वो जो हकूक़ हैं वो भी अदा करते रहें यहाँ कोताही ना हो पड़ोस पड़ोस में तकलीफ़दह इंसान हैं रिश्तेदारों में कोई इंसान महतम मोहताज है उन सारे लोगों को छोड़ आप साल बे साल और साल में दो दो मरतबा उम्र करें यह ऐसी बात नहीं सब के हकूक़ अदा करते रहें और हज और उम्र भी करते रहें। इंसान इसमें कोई इसमें भली नहीं और बड़ी अल्लाह तला इसमें भलाइयाँ अदा करता है हज के ताल्लुक से हो या उम्र के ताल्लुक से हो चंद गलतियाँ लोगों में आम हैं पहली ग़लती ये है कि रियाल नमूद ज़्यादा तौर पर इसमें दाखिल है आज हम लोगों ने किया हज के लिए ऐलान कर दिया पूरे ख़ानदान में कि हम हज पर जाने वाले हैं जैसे वहाँ मंजूरी आई मुकम्मल हो गया पक्का लोगों, लोगों में दावतें शुरू हो जाती हैं तो ये रिया नुमूद के आसार हैं ये सब आपको दूसरी इबादतें जैसे हम छुप छुपा कर करते हैं नमाज हो सदक़ात हो, खैरात हों हज भी वैसी इबादत है ये कोई शो करने के लिए नहीं है लोगों को दिखाने के लिए नहीं है इसी में लोग रह जाते हैं कि आज उनके यहाँ दावत रही हज पे निकलने से पहले आज इनके यहाँ दावत रही और अपने स्टेटस पर देते लोग लोगों लो को बताते रहे कि हमारी टिकट आने आज आने वाली है कल आने वाली है जैसी आ जाए तो उसको हमने स्टेटस पे रख लिया इसी तरह उमरे के ताल्लुक से भी लोग उम्र पे उमरे करते जा रहे हैं और या और नमूद तो अल्लाह अल्लाह अल्लामस्तान अल्ला लोगों में आम हो चुका है इलामरल्ला सिवाय चंद लोग होंगे जो अपनी शहरत और नमूद को ना चाहते होंगे लेकिन अक्सरीत तो ये देखा हमने कि अक्सर नमूद और शहरत वो चाहते हैं और लोगों को बताते फिरते हैं आप अगर फोटी फिफ्टीन डेज या ट्वेंटी डेज अगर आप घर पे ना रहें और उस दिनों में अगर आपसे कोई पूछने वाला हो तो आप उनको इतला दीजिए उनको बता दीजिए कि हम उम्र पे जा रहे हैं हज पे जा रहे हैं आप हर एक को फ़ोन करके एक साहब दुकान पे बैठे थे तो किसी ने फ़ोन किया मैं हज पे जा रहा हूँ अरे जाइए अल्लाह ताली आपके हज को कबूल करे नहीं नहीं बस ये बताना चाह रहा था ये क्या ज़रूरत है जबकि हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है और अगर वो ना रहें तो हमारा उनसे कोई ताल्लुक पूछना भी नहीं रहता है तो लिहाजा जिनका आपके बगैर रहना मुश्किल है या जिनके आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो अगर आप ना रहें तो उन, आप, आपके बग़ैर वो मसला हल नहीं हो सकता उनको आप बताइए उनको बता दीजिए कि हम हज पर जाने वाले हैं हर एक को दो इतला देना हर एक को बताते रहना जहाँ तक माफ़ी का मसला रहता है बाद लोग कहते हैं कि नहीं हम अपना मामला साफ कर लेंगे माफ़ी मांग लेंगे अरे आपसे जिनकी डीलिंग रही उन्हीं से तो आपको माफ़ी मांगना है हर एक से तो माफ़ी मांगना नहीं है बचपन का एक दोस्त था उसको हमने इतला करके दे दी कि हम हज हज पर जाने वाले हैं क्या ज़रूरत थी कोई ज़रूरत नहीं है तो जिस तरह हम दूसरी इबादें करते हैं वैसे ही हज भी एक अहम इबा, इबादत है रिया नमूद शैतान की तरफ़ से आता है इससे हमको बचना चाहिए वरना यह हमल हमारा यह अमल बेकार हो जाएगा अल्लाह तो के नबी वम ने वाज तौर पर फ़रमाया कि जो आदमी नमाज़ पढ़े और लोगों के दिखावे की वजह से नमाज वो अच्छी तरह पढ़ने लगे तो गोया वो रियाकार है तो हज एक ऐसी इबादत थे जिसमें रिया के दाखिल होने का बड़े दाखिल होने के बड़े खदशात हैं लिहाजा लोगों को इसकी कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके मिनिमाइज़ करें लोगों को कम से कम बताएँ जिनकी आपको ज़रूरत हो उन्हीं को बताएं हर एक को बताकर लोगों के दावतें खाने की ज़रूरत नहीं है ये पहली चीज़ है दूसरी चीज़ लोगों में आम तौर पर गलती ये है कि उम्रे पर जाएं या हज पर जाएं मसाइल तो कोई जानने की कोशिश नहीं करता अरे हमको यहाँ से जाकर हमको तवाफ़ करना है अहराम हमको कैसे पहनना चाहिए तवाफ़ के बाद सही करना है फिर उसके बाद हलक करना है ये जो तफसीलत हैं लोग मसायल तो जानने की कोशिश भी नहीं करते सिर्फ हम उम्र पे जा रहे हैं और उसके लिए जितनी तैयारियां हो सकी खाने पीने की चीज़ें हो लोगों को बताना हो या उसके लिए जितना जतन हो सारा करने की कोशिश करते हैं मसाइल नहीं सीखते हैं सुबह अल्लाह अगर हम कोई चीज़ मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो हम चार सारी चीज़ हो लोगों से मालूम करते हैं नेट पे ढूंढते हैं कि उसके क्या क्या फ़वाद हैं नुकसान क्या हैं कितने लोगों ने उसको पसंद किया है सब देखते हैं लेकिन हज इतनी बड़ी बात ज़िंदगी में एक मरतबा करते हैं उसका तरीक़ा लोग सीखने की कोशिश नहीं करते उसके फ़रज़ क्या हैं वाजिबात क्या हैं ये मालूम करने की कोशिश नहीं करते तो फिर क्या हज करेंगे लोगों का देखा देखी हज थोड़ी करेंगे तो सबसे पहले अल्लाह के नबीम ने नौ साल तक आपने हज नहीं किया था दसवें साल आपने हज किया और ऐलान किया और ऐलान करने के बाद कई सहाबा साथ में आ गए आप बराबर फरमाते थे खुदानी मना सिका गुम खुदानी मना सिका गुम लोगों अपने मसाइले हज मुझसे सीख लो तो लिहाजा लोगों ने आप को अपनी आँखों से देखा हज किया एक एक तरीक़ा उन्होंने नकल किया है जाबिर बिन आब्दुल्ला रजी अल्लाह उनकी तवील रिवायत है मदीने से लेकर आपने कैसे वहाँ पहुँचे कैसे आपने हज किए मिना मुशलिफात में कैसे अपने गुजारे सारी तफसी मौजूद हैं लोग ये जानना नहीं चाहते आज वीडियो और ऑडियो सब मौजूद हैं आप यूट्यूब में जाइए डाउनलोड डौ, कीजिए अगर पढ़ना नहीं आता हो तो सुनिए किस जुबान में चाहिए आपको हज की किताबें सारी अवेलेबल हैं तो लोगों को सीखना चाहिए हज का तरीक़ा सीखना चाहिए उम्र का तरीक़ा सीखना चाहिए मालूम करना चाहिए और रास्ते में तो इतना लंबा सफ़र है आपका कोई आप वीडियो डाउनलोड कीजिए किसी मोतबर ऊलमा की आप सारे मसाइल आप सीख सकते हैं मालूम कर सकते हैं कोई मुश्किल चीज़ नहीं है तो लिहाजा लोगों में सबसे बड़ी गलती यह है कि उम्र और हज की सारी तैयारें तो मुकम्मल कर लेते हैं लेकिन मसाइल हज मसाइल उम्रा सीखने की कोशिश नहीं करते ये सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए इसी तरह यहाँ से तो जाते हैं उमरा कर लेते हैं और हज कर लेते हैं बाद लोगों को करार नहीं आता उम्र पे उम्रे करते जाते हैं आज उम्र ख़त्म हुआ अहराम खोले आराम किया फिर कल उन्होंने फिर उम्र अहराम बांध दिया कहाँ जा रहे हैं मस्जिद आयशा जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं तायफ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं जराना जा रहे हैं ये एक ही सफ़र में मुसलसल उम्र अभी सलफ़ के तरीक़े से साबित नहीं है अल्लाह के नबी ने ज़िंदगी में सिर्फ चार उम्रें किए थे यहाँ हफ्ते में चार चार उम्रें हो जा रहे हैं और हज आप वल्लम ने हज किया और हज के बाद साहब कराम का आपका मामूल नहीं था कि आप वहाँ से निकलते मस्जिद आयशा जाते या कहीं बाहर जाकर आप अहराम बांध के उम्र कर लेते आयशा रहा के, के, के साथ खास मामला पेश आ गया था वो यहाँ से हज के लिए निकले आयशा ऱी भी साथ थीं उनको उज्र लायक हो गया था तो उन्होंने उम्रा नहीं किया सीधे हज में दाखिल हो गई। हज होने के बाद वो रोने लगी अल्लाह के सम ने पूछा क्या बात है कहा कि लोगों ने उम्रे भी किए हैं हज भी किए हैं और मैंने सिर्फ हज किया है तो अल्लाह के सम ने उनके भाई अब्दरमान को कहा कि जाओ उनको तनईम ले जाओ और उनको उम्र करवा दो तो लिहाजा अब्दुलरहमान उनको तनयीम लेकर गए जहाँ मस्जिद आयशा आजकल है तो ने नेमरा नहीं किया उनके जो भाई थे रहमान ने अभी बकर उन्होंने उरा नहीं किया सिर्फ़ ऐशा रदीनों उन्होंने उम्र किया सिर्फ उनकी दिल जोई की खातिर हाँ अगर किसी औरत के साथ ऐसा मसला पेश आ जाए तो उनको गुंजाइश है लेकिन लोगों को चूँकि मसायल मालूम नहीं हैं तरीक़े हज उन्होंने नहीं सीखा मसायल से उन्होंने सीखा नहीं मोतबरमा से वह उम्र पर उम्रे करते जा रहे हैं हज पे हज करते जाएँ तो लिहाज़ा ये सब चीज़ें गलत हैं हमको सलफ़ का तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए जो अहदीस में मौजूद हैं इसी तरह आम तौर पर सफ़र उम्र में सफ़र हज में लोगों का ये सवाल रहता है कि हमको कसर पढ़नी है या मुकम्मल नमाज पढ़नी है पहली बात तो यह है कि सफ़र है आपका और सफ़र कितने दिनों का हो तो इंसान कसर करे उलमा में अखतराफ़ है किसी ने कहा कि तीन दिन तक किसी ने कहा कि उन्नीस दिन तक लेकिन ये एक बात याद रख लेनी ज़रूरी है कि हज के अयाम जो शुरू होते हैं मिना में मिना में मुज़लिफा में आरफात में वहाँ जो कसर करते हैं वो हज में दाखिल है यानी वो हज की इबादतें हैं वो वहाँ ये पूछना नहीं चाहिए कि हमको मिना में पूरी नमाज पढ़नी है या कसर करना है मिना में आपको वक्त वक्ती नमाजें होती हैं जहर असर मकर विशा और फजर तो आपको वहाँ कसर पढ़नी होगी मुकम्मल नहीं पढ़नी होगी फिर आप अरफात में जाते हैं अरफात के दिन आपको जहर के वक्त असर मिला के कसर भी और जमा दोनों पढ़नी होगी उसके बाद मुजलिफा में आते हैं तो वहाँ ईषा के वक्त मक़रीब और षा कसर और जमा दोनों करते हैं अलबत्त उसके बाद जो मना में रहते हैं तो सिर्फ़ आपको कसर करनी है मुहमाम नहीं करनी है। तो लोग ये मसाइल छेड़ देते हैं और बहस मुबासा हो जाता है लोगों में झगड़े हो जाते हैं इसकी वजह से ये सब चीज़ें लोगों के इल्म, इ, 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 इस इल्म को इन मसाइल को ना सीखने की वजह से होते हैं जबकि हज एक ऐसी इबादत है अल हज अशर उमूमत फ़मन फ़रदी हन अल हज फ़ला रलाफोल फसो कला जिदिल हज हज मखसूस महीने में होते हैं मतलब शवाल जी ज़ीकायदा और हिज्जा यही हज के महीने होते हैं यानी शवाल में भी आप हज का अहराम बांध सकते हैं जी ज़ीकायदा में भी हज का अहराम बांध सकते हैं और हज करना आपको कब है आठ झील हिज्जा से शुरू होता है तो ये हज के अयाम होते हैं जो इन इन दिनों में हज फ़र्ज़ कर ले कोई बे हयाई के काम ना करे कोई बे की बातें ना करे किसी से लड़ाई झगड़े ना करे किसी से ना उलझे लेकिन लोग मसाइल को लेकर लोग उजा उलझ जाते हैं तो लिहाजा ज़रूरी यह है कि हम मसायल हज या मसायल उम्रा मोतबरमा से सीखें इसी तरह आम तौर पर किसी इन दिनों एक सवाल ये आता भी है कि मताफ़ में एहराम की हालत में अगर आप ना हों तो आपको मताफ में नीचे जो हाल है वहाँ तवाफ़ करने की इजाजत नहीं होती है तो क्या हम ऐसे ही अहराम बांध के तवाफ़ कर लें ये एक धोखा है ये हुकूमत अपने तौर पर इंतजामी सहूलत सहुल, के अतबार से कोई पाबंदी करती है तो सबकी सबकी सब को सबको उसका लिहाज करना ज़रूरी है ये क्या होता है कि आप उम्रे में नहीं हैं हज में नहीं हैं और सिर्फ अहराम के कपड़े पहन लिए सिर्फ इस वजह से के अंदर तवाफ़ करना है तो ये धोखा है इंसान के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए ये ख़ुद के साथ धोखा दो, है और अल्लाह के साथ हुकूमत के साथ भी धोखा है तो लिहाजा आपको वहाँ अगर तोाफ़ करने की इजात ना हो तो फ़र्स्ट फ्लोर आपके लिए है सेकेंड फ्लोर है थर्ड फ्लोर है अगर आप चल नहीं सकते तो गाड़ियाँ वहाँ मैसर हैं आप ढकेल नहीं सकते तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ वहाँ मौजूद हैं तो सारी सहूलतें होने के बावजूद ये कोशिश करना कि हम हम काबतल्ला के करीब ही तवाफ़ करेंगे और उम्र हो ना हो हज हो ना हो ऐसे ही कपड़े हराम के कपड़े पहन लेंगे निकल जाएंगे ऐसी चीज़ें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए तो लिहाजा ये सब लोगों में ग़लतियाँ हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को जो हज के लिए निकले मसायल हज मसाइल उम्रा सीख कर वहाँ जाने की तोफ़ी नसीब करे व आखरू नामदिल्ल रबालमीन वसल नबी यह नाम हम الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على अलहमदिल्ल वबिलामी والمرسلين وعلى वाल وصحبه वही ومن تبعهم वमन तब يوم الدين एलाद्दीन بعد محترم महाद्रन हज के ताल्लुक से चंद फ़ाइल में आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ जो सही अहादीस में वारिद है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हज जहाद فلم तम ولم यबसुख़ रजा आ कमावल उम जो आदमी हज करे और कोई बेहयाई का काम न करे कोई बेकार काम न करे कोई फिसको फजूर ना करे ऐसे ही लौटेगा जैसे कि वो आज ही पैदा हुआ है यानी गुनाहों से धुल कर वो पैदा होगा इसी तरह एक और हदीस में अल्लाह के रसूल ने से किसी ने पूछा अय्यमा अफजल सबसे बेहतर अमल कौन सा है आपने फरमाया ईमानम बिल्ला पर ईमान लाना फिर किसी ने पूछा फिर पूछा जुम्म माधा कहा, कहा जहादल्फी सबी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना फिर पूछा तो कहा आपने मबरूर हज मबरूर सुन्नत के मुताबिक क्या हुआ हज ये बहुत अफजल अमल है इसी तरह एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फ़रमाया अमा आलिम तस््लाम यह हदमा का कबला क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इस्लाम सारे पिछले गुनाहों को मिटा देता है इसी तरह वह अन हज हजरत का नाकबल और हिजरत करने की वजह से भी सारे पिछले गुनाह मिट जाते हैं फ़रमाया व अन्नल हज यह मा का कबल और हज की वजह से भी हज करने की वजह से भी सारे पिछले गुनाह मिट जाते हैं इसी तरह एक और हदीस एक में अल्लाह के नबी ने फरमाया मा तरफ रज मा तरफा بها हसन एक इंसान एक कदम उठाता भी है एक कदम रखता भी है तो अल्लाह उस उस एक कदम के बदले नेकी लिख देता है वाउ महा अनु सया और एक गुनाह उससे मिटा देता है और रफा बिहा दरजा और एक दर्जा उसके लिए बुलंद कर देता है इसी तरह एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फ़रमाया मन खरा كتب जन फमात कतबल्लाजर الحاج يوم मल़ियामा एक आदमी हज के लिए निकला लेकिन सफ़र हज के दौरान वो फात पा जाए आपने फरमाया फ़रमायाबल अजरल हाजीयामा क़ियामत की सुबह तक हाजियों का अजर उसके लिए लिखा जाएगा इसी तरह कतबल्लू अजरलमिला उम्र के सफ़र पर निकला दौरान सफ़र वो वफ़ात पा गया गयामत की सुबह तक उम्र करने वालों का अजर सवाब उसके लिए लिख दिया जाएगा एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फ़रमाया अल गाजी अलफ़ी शबी वाजमआतम वफ़दुल्ल कि अल्लाह के राह में जिहाद करने वाला हज करने वाले उम्र करने वाले अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं दा अल्लाह ताला ने उन्हें दावत दी फाजाबू इन लोगों ने अल्लाह ताला की दावत पर लब्ब कहा वाहम जो जो वो अल्लाह ताला से मांगते हैं अल्लाह तीन अता करता है <क्ष़्थ> तो कितनी बड़ी फजीलत है देखिए कि हाजिया और मतमिर जो कुछ अल्लाह ताली से मांगे अल्लाह तुको अता करता है इसी तरह अल्लाह के नबी ने फ़रमाया मा मिन इल्ला लब्बा मा अन मिन ही व शिमाल ही मिन हजर नजर व शजर नदर के मोतमर या हाजी जितना वो तलबिया पढ़ता जाता है जितना वो अल्लाहुम्मा लब्बई कहता है उसके दाहने बाहने, आगे पीछे जितने शजर और हजर हैं जितने घर हैं सब वो तलबिया पढ़ने लगते हैं हत तन कति अर्द मिन हुना वहा हून अनयमीन ही व शिमाली यहाँ तक कि यहाँ तक की सारी ज़मीनें यहाँ तक की सारी ज़मीन आपने इशारा करते हुए कहा कि सारी चीज़ें लब्बिक पढ़ने लगती हैं तो कितनी बड़ी स है उसके लिए अल्लाह के नबी ने फ़रमाया माला मुहल अलाकब्ब्र मकब्रकत्तु अल्ला बिलजन्ना हाजी जब कभी वो तलबिया पढ़ता है जब कभी वो अल्ला अकबर कहता है तो उसको जन्नत की बशारत दे दी जाती है एक और हदीस में आपने फरमाया मन फ़रमायान तो बिल्बईन वमयन जो आदमी बेतुल्ला का तवाफ़ करे कदम उठाने पर भी कदम रखने पर भी इल्ला हसन अल्लाह त उसके लिए नेकी लिख देता है वह हद तो आनु ख़तिया और उसके लिए उसका एक गुनाह मिटा देता है वह कतबल दर्जा और उसके लिए एक दर्जा एक लिख देता है एक और हदीस में अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया तोलबई तिमसला बेतुल्ला के तरह बत का तवाफ़ करना नमाज ही की तरह है तकल्लम अलबत्तः नमाज और तवाफ़ में फ़र्क यह है कि आप तवाफ़ में गुफ्तु कर सकते हो फमन तकल्लमफ़ी ही फ़ला तक बैर जो आदमी तवाफ़ के दौरान गुफ्तगु करे उसको चाहिए कि वो खैर की बातें करें बेकार की बातें ना करें यानी इंसान जब तवाफ़ करता है तो आपस में एक दूसरे से बात करने की गुंजाइश है इजाज़त है लेकिन खैर की बातें करनी चाहिए बेकार बातें करनी नहीं, नहीं चाहिए तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को इस साल हज के लिए मुंतखब कर लिया है शादत बख्शी है अल्लाह ताली उन्हीं हज की बल्कि हज मबरूर की तोफीक़ नसीब करें और जिन लोगों ने अभी हज का इरादा नहीं किया है या जिन पर हज फ़र्ज़ किया हो चुका है अल्लाह तुके लिए हज की सहूलतें नसीब करें इलाम यूसल नबी يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم